माशाल्लाह सज्जल, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। बहुत प्यारी लग रही हो तुम आज माशाल्लाह, है ना अम्मी? वाकई सज्जल तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। माशाल्लाह। अब ये बताओ कि तुम हमें परदेश जाके भूल तो नहीं जाओगे हैं? कैसी बातें कर रही हो? लड़कियों को तो घर छोड़ना ही होता है ना, लेकिन असल में तो इस बात की होती है कि किन लोगों में जा रही है लड़की, इस काबिल भी है या नहीं। वाकई अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आंटी माँ बाप तो अपने बच्चों की भलाई का सोचते हैं, लेकिन कभी कभी लोग बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और निकल आते हैं। हाँ, इसलिए कि वो लोग बेवकूफ होते हैं। क्या मतलब? ये कि रिश्ता अगर सोच समझ के देखभाल के किया जाए तो हमेशा कामयाब रहता है। जी आंटी। अच्छा सज्जन देखो तुम्हारी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, और ये रंग कितना खूबसूरत आया है। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सज्जल की जो सास है ना, वो उसको बेतहाशा मोहब्बत करने वाली है। क्यों आंटी? मेहंदी का रंग जैसा भी आए, सज्जल की सास बहुत अच्छी है और मुझे यकीन है कि इसका बहुत ख्याल रखेंगी। इसका मतलब ये है कि हमारी सज्जल तो बहुत लकी है ना? इसमें तो कोई शक नहीं, मगर मुझे लगता है कि सज्जल की सास ना ज्यादा लकी है। वो कैसे? वो ऐसे कि सज्जल जैसी लड़कियां आसानी से कहाँ मिलती हैं। किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी लड़कियां। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है तुमने। चराग लेकर भी ढूंढती ना तो मेरी दोस्त जैसी लड़की उनको कहीं नहीं मिलती। पता आज भी अम्मी कहती हैं कि अगर असद भाई की मंगनी बचपन में ना हुई होती ना, तो वो सज्जल को किसी और जगह जाने ही नहीं देती। भाई हैं वो मेरे, अजीब बातें करते रहती हो।